हेलो माय डियर फेलो फूडीज, करीज टू कस्टर्ड की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं देसी घी की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे वाइट बटर या सफ़ेद मक्खन से। तो इसके दो स्टेप्स हैं, क्योंकि पहले हम मिल्क क्रीम या दूध की मलाई से, जो कि हमने 10 दिन से इकट्ठी की है, उससे पहले वाइट बटर बनाएंगे और उसके बाद घी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल करीज टू कस्टर्ड को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम सफ़ेद मक्खन बना लेते हैं, जिसको तैयार करने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है, दूध की मलाई जो हमने इतने दिनों से इकट्ठी करके रखी है और आधा लीटर पानी। अब हम दूध की मलाई में पानी डालेंगे और एक चम्मच की मदद से दोनों ही चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे या तो आप इलेक्ट्रिक विस्कर का यूज़ कर सकते हैं, जिसे आप हमें तब तक चलाना है जब तक कि बटर पानी के ऊपर ना आ जाए, और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक विस्कर नहीं है तो आप सिंपली इस मिक्सचर को मिक्सी के जार में, जिसमें कि हम मिल्क शेक्स बनाते हैं, उसमें डालकर तब तक चलाइए जब तक कि मक्खन पानी से अलग ना हो जाए। कुछ ही मिनट्स में आपको दिखाई देगा कि मक्खन अलग हो गया है और वो पानी के ऊपर तैरने लगा है। अब हम मक्खन को पानी से अलग करेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम मक्खन को दोनों हाथों से अच्छी तरह से निचोड़ेंगे और जो भी बचा खुचा पानी उसमें रह गया है वो भी उससे अलग कर देंगे। और हाँ, बटर निकालने के बाद जो पानी बच गया है, दरअसल वो बटर मिल्क है, तो आप बस थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और हरा धनिया इसमें डालिए और इस एक्सेलेंट समर ड्रिंक को इंजॉय कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ और इस सफ़ेद मक्खन से देसी घी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इस तैयार बटर को अब एक कढ़ाई या फिर एक गहरे पैन में डाल दीजिए। एक करछी की मदद से इसे अच्छी तरह से कढ़ाई में चारों तरफ फैला दीजिए। ये सफ़ेद बटर अच्छे से गल गया है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि काफ़ी झाग दिखाई दे रहा है। अब हम बस इसे पकने देंगे और थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। 8 से 10 मिनट्स के बाद आप देखेंगे कि तकरीबन सारा ही झाग हट चुका है और पैन में कुछ गुठलियाँ या कुछ क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर और पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि घी बिल्कुल साफ हो गया है। अब गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही रहने दीजिए। अब एक छन्नी की मदद से घी को एक बाउल में छान लीजिए। हमारा शुद्ध देसी घी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसे अभी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे कुछ घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि ये थोड़ा सा जम जाए और अपने नेचुरल कलर और फॉर्म में आ जाए। अगर हमारी आज की रेसिपी किसी भी तरीके से आपको हेल्प कर पाई तो हमें बहुत खुशी होगी। आप प्लीज़ हमारी रेसिपीज ट्राई कीजिए और अपने थॉट्स एंड सजेशंस हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, एंड हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।